बीएसएफ की 91वीं अंतर सीमांत सपोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में। जैसलमेर की किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में आज बुधवार को बीएसएफ की 91वीं अंतर सीमांत सपोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। यह प्रतियोगिता 5 नवंबर तक चलेगी, जिसमें 81 mm मोर्टार और 7.62 mm मीडियम मशीन गन के मुकाबले आयोजित होंगे। भारत पाक सीमा पर स्थित जैसलमेर की किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में बुधवार को बीएसएफ की 91वीं अंतर सीमांत सपोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ सीमा सुरक्षा बल राजस्थान सीमांत के महानिरीक्षक डेविड लॉरिन सांगा ने किया। इस दौरान बीएसएफ के आला अधिकारियों जवानों सहित प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले विभिन्न टीमों ने प्रतियोगिता में मौजूद रहे। असीम व्यास डीआईजी बीएसएफ सेक्टर नॉर्थ ने बताया कि प्रतियोगिता में बीएसएफ के 11 फ्रंटियर की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें बीएसएफ के लगभग 600 जवान और अधिकारी शामिल हैं। ये हमारा 51st कंपटीशन है और ये शुरू हुआ था 1967 से, और ये एरिया वेपन्स और सपोर्ट वेपन्स जो होता है जो नॉर्मली वॉर में यूज़ होता है, और ये जो है काफ़ी डैमेज भी कर सकता है और वार के लिए हमेशा रेडी और रेडी रखने के लिए हमने ये कंपटीशन रखा हुआ है जवान्स का, और रिफ्रेश हमेशा करते हैं। हर साल इनका टेस्टिंग होता है यहाँ पे किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में, और ये बीएसएफ के लिए हमारा एक ही फायरिंग रेंज है जो इतना इस टाइप का वेपन्स का फायरिंग होता है। प्रयास करेंगे। अंत में मुझे गर्व है कि आज इस स्थान पर मुख्य अतिथि दूर दूर से पधारे अधिकारियों बहादुर जवानों को मुझे स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।